शुरू करियो। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां आपको देखने मिलती है खूब सारी बकचोदियां विदाउट एनी एड ब्रेक्स। तो बिना रुकावट के मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हम लोग की बकचोदियां यू ही, और दिखाते रहिए अपना प्यार कमेंट्स में खूब सारा भर भर के। तो भाई आज क्या पेश करें हम लोग? आज हम लोग लाए हैं कमीना, एक कमीने को लेके आए जो खुद क्लेम करता है कि वो कमीना है। अच्छा, यस, उसके गाने मैं खराब है, कमीना, ये मैं तो पुराना कमीना, गाना है वे नाम। मैं दीवाना होगा ना, नहीं नहीं मैं कमीना करके नहीं था, मैं दीवाना, नहीं मतलब कमीना कमीना करके गाना है पुराना कुछ। कमीना है कि चलो बदतमीज है, मैं बदतमीज मेरी फिर मदद कर। रिसर्च कर लेंगे बाद में बताएंगे। तो मैं कमीना गाना गाया है होमी दिल्ली वाला ने, योयो प्रोड्यूस बाय योयो हनी सिंह। हनी तो थोड़ा सा टारगेट में है सिंह, ये मेरे, कमीना इश्क कमीना करते मुश्किल जीना। करके तो यहाँ पे तो नो इश्क। एकदम खुले पे दावा देके बोला है इंसान ने कि मैं कमीना, देखते हैं कि ये कितना कमीना है। और आज हम इसको कमीनियत पे ही जज करने वाले हैं। तो भाई हमें अगर लग रहा है कि लोगों को पता नहीं असली चीजों का रीजन क्या है, इंसान किसको क्या प्रेजेंट बोलता है, कमीना मतलब हाँ, क्या, वो उनको कमीना पता नहीं मतलब है। क्या ये होता है, इनको आइडिया तो नहीं आजकल है। सब अपने ऊपर ले लेते हैं, वाह फ्लैक्स, वाह गाली हाँ की बातचीत हो गई क्या? वही तो आज हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग एज अ बींग कमीना ही इसको जज करेंगे ठीक है। कि क्या ये उस कमीने के लेवल पे आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे और चीजें नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसी अपनी स्टोरी बता रहा है कि हाँ ये कमीने में काउंट होगा सब, शुरू है करते ना। हैं जल्दी तो शुरू। स्टार्ट करते हैं, पानी पी लो, गला सूख गया होगा, कमीना देख के नहीं सूखा अभी। उसका रीजन तो बता रही है। ऐसा खर्चा हुआ लग रहा एक बात कहनी है जो पहले कभी भी कही ना, शकल से शरीफ पर अंदर से कमीना, ढूंढ रहा कब से ऐसी हसीना जो ऐसी। पीछे से के आगे से गरीना। एक बात कहनी है जो पहले कभी भी कही ना, शकल से शरीफ पर अंदर से कमीना, ढूंढ रहा कब से ऐसी हसीना जो। इसका हुक से भी हो गया, एक बात थी कहनी, शक्ल से शरीफ अंदर से कमीना, तो वो हो गया जो नहीं घर वाले अपने बच्चे के लिए कहते हैं समझते शुरुआत में हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगाता है, दिमाग तो बहुत है। बहुत है। टीचर कहते थे कर, टीचर तो वही, कोशिश करेगा तो कर लेगा, तो ये ड्रेस ड्रेस वही पहन के आया है ना, इसको स्कूल भेजे तुरंत, और इसको वो सर स्कूल हटाओ। भेजो। हाँ, उसको लग रहा होगा वो पीकी ब्लाइंडर बना हुआ है, हाँ, बट वो स्कूल का बच्चा ही लग रहा है। और उसको ये पसंद आ रही है ऐसी चूंकि। हसीना पीछे से के आगे से गरीना, अबे आगे बोलो। अरे क्या लौड़ा फंस गया मुंह में, इससे आगे फंस गई क्या भी अपनी कैसेट फंस गई। नजर में ही कत्ले आम, सर पे इनाम मेरे उल्टे काम, महंगी चीजों में। इसने बोला है सर पे इनाम है इसके। तो अभी तक की जो हमने इसकी कमीनी हरकत देखी है उसके हिसाब से कितना इनाम होगा इसके सर के ऊपर? 50 रुपए वो कटेगा इसका, कटेगा उल्टा ना। 50 रुपए कटेगा उसका, रीजन बताता हूँ। ये दो, ये वो पहने हुए इसमें नहीं, पीछे निकल गया गेटअप, रेड वाला जो ड्रेस पहने हैं हाँ उसमें ग्लव्स पहने हैं, स्पोर्ट्स बाइक वाला जो यहाँ मिलता है 250 रुपए का। हाँ नजर में दोबारा कतलेआम, सर पे नाम मेरे उल्टे काम, महंगी चीजों में मेरा महंगा दाम, कफन से पहले महंगा दाम कितना भाई कटेगा ना, तुम तो बताए ये मान नहीं रहा है। मन दुनिया वालों को होती जलन, क्योंकि मेरा गुरु दुनिया में नंबर वन, नंबर वन मेरा सब बढ़िया, मेरा वक्त चले महंगी घड़ियां, पहले डिक्की में था बेसबॉल बैट, अब डिक्की में रख दे सरिया, वो करती मेरे साथ वाइब, क्योंकि करता मैं कार्ड स्वाइप, तेरा हुस्न ने दबा, डॉक्टर ने किया मुझे प्रिस्क्राइब, छोड़ा नहीं क्लास, पीता नहीं ग्रास, आता नहीं मैं इंडस्ट्री को रास, पैसे की प्यास, पैसा है पास, तभी मैं शूट नहीं होती नाराज। कह रहा है इंडस्ट्री को ये रास नहीं आता है, रास मतलब पसंद पसंद नहीं आ रहा नहीं आ रहा। तो भाई कमीनी चीज कौन पसंद करना कोई नहीं चाहिए? भाई, कोई करेगा, तुमको नहीं खुद रियलाइज है कि तुम कमीने हो, तुमने गाना बना के डाल दिया है, तो भाई और उसको सपोर्ट किया एक बड़े कमीने ने, ये हनीफा जी ने, है? तो दो कमीने जब मिलेंगे तो इंडस्ट्री को कहाँ रास आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल है? नहीं आएंगे। तो ये चीज इसको रियलाइज होनी चाहिए ना, गाना बना के अब हम लोग जब वीडियो डालेंगे तब इसको समझ में आएगा कि ये कहाँ गलत कर रहा है। गलती गलत कर रहा है पूरा, इंडस्ट्री में रास नहीं आ रहा, पैसा इनके बहुत है, तो क्या इंडस्ट्री में गाना बनाने जा रहे हो? पता नहीं अब ये कैसे कमा रहा है, मानो छोड़।
ये तो यही जानवा आंग हक इनकी जी बेहक ली तेरा LBS नहीं तू है बंदा नकली तेरा पैसा काला तेरा धंधा नकली तेरी गर्दन पतली मेरा फंदा असली घंटा नहीं आती मुझे किसी भी बात की शर्म दुनिया खरीदी मैंने मारी सबके मुंह पे रकम घूमू मस्त मलंग मेरा सावला रंग मुझे देख इनकी सहेलियों का मामला गरम करूँ पेट फ्लैट सन इनके भाई कुछ कुछ किंग से हरकतें नहीं कर रहा है डांस जैसे हो गया हां कैची और जुबान जैसे कैची सरिए के साथ डिक की में नोटो वाली टैची खट्टी टॉफी जेब में रहते दो सारे रेडी जिम में वेट और बीट पे मैं वर्स मारू हैवी उसको लग रहा है वो मस्त गाना बना दिया आखिरी में ऐसा एंडिंग में पोज किया है कि उसने कुछ तो गान फाड़ दिए इस गाने में उसको साफ साफ लिख दिया हनी सिंह ने कि मेरे से म्यूजिक है हमारे बाकी आगे का मुझको नहीं पता मैं अपना म्यूजिक बना के पैसा लेके निकल लिया ना उसकी मर्जी ये डालना पैसा देता बहुत है उड़ाए कोई मगर यार मुझे ना इसके लिए तो सबसे पहले होगा ऐसे गाने के लिए जो जो इसको एंकरेज किया पहले उनको पकड़ो माता चोर कि हाँ ये गाना तुम रिलीज करो पहले उनको पकड़ना है गलती इसका नहीं है ये तो भोला है ना बेचारा लौड़ा भोला है तो कमीना है ना ये तो भोला है हमारा लड़का तो बहुत भोला है देखिए ठीक है वो लोगों की बातों में आ जाता है अब लोग है ना माधव चोर यहाँ भाई तुम मैं यहाँ बैठू अपनी जैसे मैं भी गाना गाता हूँ तो लेके आऊंगा तो तुम लोग जब उसको अप्रूव करोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा आगे वो कितना भी खराब हो तुम लोग बोलोगे हाँ ये चीज सही लग रही है कर दे अपलोड कर दे बाद में थोड़ा तुमसे बोलते हैं ना बड़े बड़े तो वो चीज मैं अपलोड कर दूंगा तो मेन जिम्मेदार कौन है क्योंकि मैं तो आया ना तुम्हारे पास हम ही लोग तो गाड़ तो मेरी फट गई मगर देखो फड़वाने वाला कौन है तो वैसे सब वीडियो के जिम्मेदार हम ही लोग तो होमी दिल्ले वाला का जितना लोगों ने उसको मिक्स मास्टर किया लिरिक्स तो इसने लिखा उसी समय पहले तो इसको पकड़ के पेल लेना चाहिए था तुम लोगों को बट इतना एक्सटेंट तक ये आ गया है तो अब टीम मार खाएगी होमी दिल्ली वाला तुम सेफ हो तुम बच गए टीम को मार पड़नी थी उस पाले में चली गई की बात है जो तुमने ये चीज क्यों अप्रिशिएट की उसकी ना उसको तुम बोलते अच्छा है ना वो डालता कहा था वो छोटे बच्चे जिद नहीं करते हैं नहीं नहीं मैं डालना है डालना बोला तो मेरी एक जेब में खट्टी टॉफी खट्टी टॉफी वो नहीं एक बार जीत कर लेता लम्डा फिर उसके घर वाले कहते हैं ठीक है हम चलो ठीक ले या तो फिर पहला जाता है तो मार तो पड़ेगी ना इसको बाद में अब रिस्पांस बोला देखेगा एक दो दिन का लेकिन देखो गाना आना जैसा था कि इसने एक्टिंग किंग की कॉपी क्यों कर रहा है किंग का फ्लो स्मूथ हो जाए वैसे डांस करने की कोशिश कर रहा है नहीं ने तो नहीं कहा किंग चल रहा किंग की तरीके करो किंग की तरह कर दो किंग की तरीके करो कर नहीं पाए लेकिन नहीं इसके अबे हनी से इसके चक्कर में तो बर्बाद है इसको दूर करे लौंडे हैं कल के भी बहुत सारे गाने इसके साथ निकाले ना अब नहीं निकाल रहा ना अब कहाँ निकाल अब समझ गया है अब सिर्फ गाने म्यूजिक देता है स्टार्टिंग जब हनी सिंह अभी जब वो निकला था बीमारी की बात तो इसी साथ तक होता बहुत दिन तक इसको हटा बच्चे है भाई ये बहुत छोटे छोटे इनसे भाई तो कुछ हो नहीं पाए अभी स्कूल में है ड्रेस वैसी पहन के चले जाते हैं इसका तो मैं एक गाना पता नहीं अभी कौन सा रिसेंटली आया था काफी रील्स पे फेमस हुआ तब मैं जाना कि ये भी कोई है मार्केट कौन सा वाला पता नहीं अब इसकी एक एल्बम आई थी उसमें गाने तो ठीक थे इसके मैंने सुना था मैं सुनी मैं हक लिख देते फक लिख देते वाला एक गाना है इसका पता नहीं मुझे नहीं पता मैंने इससे पे मेरा हक लिख जिंगल इसका उसको मिलिंद गावा और ये लोग के लिए फेमस है ना वो एक वो जो लॉकडाउन पे निकाला था ना पता नहीं लोगों ने वो तो सुना था लॉकडाउन में मैंने और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट एक्सप्लोर किए तो मैं खुश हूँ कि लॉकडाउन मेरा खराब नहीं हुआ इसके चक्कर में चलो फिर दिल्ली बता दो खराब है भाई गाना बहुत वाहियात मेरा वही कहना है कि जिसने अप्रिशिएट किया उसको मारो और तुम्हें भी पढ़ने चाहिए कि तुम भाई ये चीज क्यों कर रहे हो खुद रियलाइज होना चाहिए तुम्हें या तो तुम उस तरीके से इसको रिलीज करो कि लोगों को मिले कि हाँ तुम बकचोदी कर रहे हो तुम मगर बहुत सीरियस थे उसमें तुमने बकचोदी नहीं की है ये तुम बहुत ही तुम की यस दिस इज द टैलेंट तुम बताओ कैंसिल कर दिया तुमने इसको ये जरूर तो बात नहीं करोगे इससे बात ही नहीं करनी जाओ बात ही नहीं करनी तुमसे जब तक मानोगे नहीं पापा बात नहीं करेंगे तुमसे ठीक है
पापा का टीट मैंने तो भोला है आपका दोबारा कोशिश करना, फिर लेके आएंगे, फिर मारेंगे तुमको पटक के, देख के। और हनी पाजी थोड़ा दूर रहोगे इनसे, बच्चों बच्चों से अभी। ये लोग तुम्हारा रुकावट है आगे बढ़ने का, यही काटा है, यही काटे हैं लोग। चलो ठीक है, बंद करेगा। चलो भाई यहीं पे खत्म करते हैं। साया कैसे ना, फोन बंद हो गया भाई। तो वो मेरे मन में भी आ रहा था, मन तो मेरे भी आ रहा था कि फ्लो बना हुआ है, नहीं हुआ। चलो।